फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। फतह का दिन है मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, अल्लाह कभी भी हमारे दिलों से ईमान और बाजू की ताकत को कमजोर न फरमाए। आमीन। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं तीतान। तीतान नहीं, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। मैं वापस आऊंगा अर्तुरुल। अर्तुरुल यहां है। अद्दार, जान से मार दूंगा तुम्हें। मेरे पास अब किले से सीधा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहां से मेरी लाश ही जा सकती है। मलून इंसान, कहां छुपे हो तुम? वालिदा, तमाम खवातीन अपने फराइज अंजाम दे रही हैं और पहरे के लिए 2 दस्तों में तकसीम कर दिया गया है। माशाल्लाह बेटी, तुम पूरी रात की जागी हुई हो, यहां बैठो, थोड़ा आराम कर लो। वालिदा, अर्तुरुल साहब की तरफ से अभी तक खबर नहीं आई कोई। मुझे बार बार उनकी और जंगजुओं की फिक्र हो रही है। बेटी, हम अपने कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनके गाजी बनकर लौटने की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूँ हैमा खानम? या अल्लाह, इंशाल्लाह अच्छी खबर आई होगी। आ जाइए अर्तुक साहब। अर्तुरुल भाई की तरफ से खबर आई है, अल्लाह के हुक्म से किले पर काई कबीले का परचम लहरा दिया गया है और पूरा किला अजान से गूंज रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है यार। शुक्र है अल्लाह का, तेरा शुक्र है मेरे रब, तूने हमें अजीम फतह से हमकिनार किया। हाँ तो उन्होंने मुझे जो कैद कर लिया था, बाबा ने उनसे उनका किला ही छीन लिया। इस दफा मैं कैदी बन के नहीं, अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूस बन के जाऊंगा। वाह माशाल्लाह, अर्तुरुल भाई ने मुझे फौरन किले बुलाया है और आप ये खुशखबरी कबीले वालों को सुनाकर सिपाहियों के साथ किले पहुंच जाइए। अर्तुक भाई, मारिया ठीक है ना? उनकी फिकर है मुझे। मारिया कौन है गुंदू साहब? अर्तुक भाई, मारिया किले में मौजूद एक खातून है। गुंदू जब कैद में था तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा था इसका। ठीक है गुंदू साहब, किले पहुंचकर उसकी खैरियत मालूम करता हूं।
चलो सिपाहियों, रवाना हो जाओ। शायद ये भूल गए हो कि ये इलाके अब भी हमारे ही इख्तियार में है अर्तुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी तक ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूं मैं। ये इलाके अब भी मेरे ही इख्तियार में है और वो बाजार भी। ये किला बहुत सी साजिशों, फितनों और शुरूर का मंबा था। यहां के सब मजाले सिर्फ इनके अपने खून से धुलकर ही खत्म हो सकते थे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें बादल को मिटाने की हिम्मत दी और अब हम यहां निजाम हक कायम करेंगे। कारा जसार का यूं शिकस्त से दो चार हो जाना न सिर्फ नेकिया बल्कि कुस्तुनतुनिया तक को हिला कर रख देगा। आपने कहा था कि यह फतह हमारे लिए बहुत सी रियासतों के दरवाजे खोल देगी। आपकी बात की हकीकत अब समझा मैं। मैंने कहा था ना भाई कि आपको कोई सरहद नहीं रोक सकती और अब अल्लाह ने चाहा तो हर कोई ये देखेगा। बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत शुक्रिया। सिपाहियों को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। हालात मामूल पर आने तक हमें बहुत मोहतात रहना होगा। इस जगह की भी तलाशी लेते हैं, देखते हैं कि यहां पर क्या है। जी भाई। भाई, यहां पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है। यहां ले आओ बमसी। जी ठीक है भाई। तुर्गुत भाई, आ रहा हूं भाई। या अल्लाह, ये रहा संदूक। लगता है जमींदार इसमें अपना खजाना रखता होगा। तुर्गुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी महबूब तरीन तलवार। भाई, तो एरिस ने ये तलवार यहाँ छुपा कर रखी थी। आपकी तलवार आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहले ही मौजूद थी अर्तुरुल साहब। यानी वो मलून आपकी तलवार से इतना खौफ जदा था कि संदूक में बंद रखा था इसे। माशाल्लाह, लगता है कि वो मेरी ही तलवार से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने खाक में मिला दिए उसके इरादे। और अब जो हमारी रिवायत है उसका तख्त मेरी तलवार के नीचे होगा। ज़ालिम का खात्मा हो चुका, इंसाफ हो गया।
जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मौत के घाट उतारने और तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा अर्थरुल। बाहर की क्या सूरत हाल है तुमरुल? हमने एरिस के मरने वाले सिपाहियों को दफनाने के लिए भेज दिया है भाई, और शौदा के जसदे खाकी कबीले भिजवा दिए हैं। बहुत सी मुश्किलात और जंगों का सामना किया है हमने, अगर आज हम खुद मुख्तार हुए हैं तो उसकी वजह शुहदा की कुर्बानियां हैं। अल्लाह उन सब की शहादतों को कबूल मकबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। किला फतह हो गया, तमाम हिफाजती इकदामात बरकरार रहेंगे, बादशाह की तरफ से लश्कर आ सकता है। बमसी, किले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को हुक्म दो, जब तक मेरा हुक्म ना मिले कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बेलेजिक का जमींदार भी अपना लश्कर भेज सकता है, एक दस्ता उस रास्ते की निगरानी पर मामूर होगा। जैसा आपका हुक्म भाई। कुछ पता चला है रिस्का? अभी कुछ मालूम नहीं हुआ भाई, हमारे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। दुमरुल, एरिस के सिपाहियों को ले जाने वाले जंगजुओं को खबरदार कर दो। अत्सिस, कुछ सिपाही ले जाओ अपने साथ, शायद एरिस किले से फरार हो गया हो। अगर वो फरार हो चुका है तो बिलेजिक में पनाह लेगा। सबको मोहतात रहना होगा। फिक्र ना करें अर्तुल साहब, एरिस की हर चाल अच्छी तरह समझता हूं मैं, जल्द से जल्द मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया। गुनकुत, तुम जाकर पादरियों को बुलाओ यहां, ताकि वो ये तस्वीरें और सलीबें अपने साथ ले जा सके। जैसा आपका हुक्म भाई। आप जा सकते हैं। भाइयों, उठाओ इसकी लाश। ये सब किसने किया? एरिस, एरिस फरार हो गया, वो लाशों में छुपा हुआ था। अर्तुरुल साहब को खबर दो, हम एरिस के पीछे जा रहे हैं, जल्दी। अर्तुरुल साहब, मसीही बरादरी अपनी इबादत के लिए परेशान है, हम इस बारे में आपका हुक्म जानना चाहते हैं। हम किसी की मजहबी रसूमात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारा वाहिद मकसद सिर्फ इंसाफ का निजाम कायम करना है। आज के बाद से आप भी हमारे अपने हैं,
अल्लाह अज़्ज़वजल कुरान करीम में फरमाता है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस हुक्म के मुताबिक जब तक अम्न को कोई नुकसान न पहुंचे, सबको अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का इख्तियार हासिल है। अब आप अपने लोगों को फौरन मैदान में जमा होने की इत्तला दें, उनसे बात करना चाहता हूं। शुक्रिया अर्तुरुल साहब। उठा लो ये सब, चलो। निशानात का जायजा लो उतर कर। वो यहीं से गुजरा है। ये रास्ता ब्लेजिक की तरफ जाता है। अर्तुरुल साहब ने सही कहा था, वो यकीनन ब्लेजिक के जमींदार के पास जाकर अपना लश्कर तैयार करेगा। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। चलो सिपाहियों। शुक्र है कि हमें यह फतह नसीब हुई। अल्लाह हमारी फतूहात को जिला बख्शे। आमीन अर्तुल भाई। इस फतह पर अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। तुर्कुत भाई, अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को मजीद ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अर्तुल भाई। बमसी, तुम्हारी तलवार काटदार रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया अर्तुल भाई, बहुत शुक्रिया। ये संदूक हमें तहखाने से मिले हैं। शाबाश जवानों। इसमें बहुत सी खुफिया दस्तावेजात हो सकती हैं भाई। दस्तावेजात का जायजा ले आर्तुक भाई। एरिस का अमीर सादतिन के साथ गठजोड़ तलाश करना है मुझे। सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत चाहिए मुझे।
जो आपका हुक्म भाई, मैं इन्हें तफसील से देखने के बाद आपको मालूमात फराहम करूंगा। बहुत शुक्रिया अर्थुल भाई, इस माले गनीमत का पांचवा हिस्सा मैं सुल्तान की खिदमत में पेश करूंगा, मगर सबसे पहले एक हिस्सा पनाहगाह के लिए होगा और दूसरा मस्जिद के लिए, और बाकी हिस्से तमाम कबाइल में बराबर तकसीम किए जाएंगे। हुक्म की तामील होगी भाई। क्या हुआ तुमरुल? अतसिस भाई ने खबर भेजी है, एरिस का सुराग मिल गया है, वो उसके पीछे गए हैं। अतसिस यकीनन एरिस को ढूंढ लेगा। सिपाहियों को रवाना करो मदद के लिए। जैसा आपका हुक्म भाई। खुशामदीद हाइमा खानम। हाइमा खानम खुशामदीद। शुक्रिया मेरे बच्चों। खुशामदीद हाइमा खानम। ऐ मेरे अल्लाह, तू बहुत कारसाज है। जो बाज़ंतीनी किला कल तक फितनों की अमाजगा था, वो आज इस्लाम के परचम तले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है वालिदा, उसने हमें ये मुबारक फतह नसीब की। इंशाअल्लाह से ये किला अमन सलामती की अलामत बनेगा। इंशाअल्लाह मेरी बेटी। अल्लाह ने हमें एक अजीम फतह से हमकिनार किया है, इसके लिए जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बेटी क्या हुआ तुम्हें? हफ्सा तुम ठीक तो? ये किला जहां मैं पैदा हुई और पली बड़ी, बहुत से जख्म ताजा कर देता है। मेरे बाबा को कत्ल किया गया, मैं तन्हा रह गई थी। अगर आप लोग ना होते तो मेरा क्या होता? आज आप लोगों के हमरा इस किले में दाखिल होते हुए खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। आह मेरी प्यारी बेटी, हम एक साथ ऐसे बहुत से खुशी के दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुशामदीद हाइमा खानम। बहुत शुक्रिया गुनगुत। मैं आपको अर्तुरुल भाई के पास ले चलता हूँ। ठीक है। ये घंटा क्यों बज रहा है? अर्तुरुल भाई लोगों से खिताब करने वाले हैं, लोगों को जमा करने के लिए बजाया जा रहा है। वालिदा मैं इस किले को अच्छी तरह जानता हूँ, चले आगे मैं लेके चलता हूँ अब। चलो ठीक है गुंदूस। चलो फिर चलते हैं, जल्दी से हमें अपने बाबा के पास ले चलो गुंदूस। उसके लिए आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा दादी। जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं किला फतह नहीं कर सकता, तो मैंने कहा था कि मैं यह किला फतह करके दिखाऊंगा। तुम्हारा इख्तियार खत्म हो गया और निजाम तबाह हो गया। आज से कारा जैसार किला, इसका तख्त मेरी हाकमियत में है। बहुत जल्द नीकिया वाले और बादशाह भी ये जान लेंगे। लिखें आर्थुर भाई। बादशाह दुकान जमींदार एरिस के मेरे लिए बिछाए गए हर जाल को वापस उसी पर उल्टा दिया है।
अम मुआहिदे के खिलाफ अमल पैरा ताकतें अपने अंजाम को पहुंची। आज से कारा जहसार किले में मेरी हाकमियत है। बस बहुत जल्द एरिस का सर आपको भिजवा दूंगा, और अगर बिले जिक के जमींदार ने यही गलती दोहराने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। यह भी याद रखना कि हमारे लश्कर नीकिया को भी फतह करने की भरपूर ताकत रखते हैं। कारा जहसार का हाकिम सलजूक का सरदार आला सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल, जाओ और पूरे नीकिया को मेरी फतह की खबर दो। कह देना कि आइंदा कोई साजिश की तो नीकिया के दरवाजे गिराने में कोई तरद्दुद नहीं बरतूंगा मैं। आर्तुक भाई, हुकुम भाई। कासिदों से फौरन मक्तूब भिजवाइए, हमारी फतह की खबर सरजमीन के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। जो आपका हुकुम भाई। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। खुशामदीद, खुशामदीद है मखानम। अस्नेहान खातून, अफसा, खुशामदीद। बमसी, अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो बेटा। तुम्हारी कोशिशों से ये फतह नसीब हुई है हमें। बहुत शुक्रिया है मखानम। मारिया, गंदुस, आप ठीक है? मारिया, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी, पता है कि आपका जख्म ठीक है? ठीक है गुंदूस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा। अल्लाह तुमसे राजी हो मारिया। गुंदूस के किले में बहुत मदद की तुमने, तुम्हारा शुक्रिया। बेटी, गुंदूस तुम्हारा बहुत जिक्र करता था, ख्याल रखा तुमने इसका। अगर तुम ना होती तो ना जाने इसके साथ क्या होता। बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत बहादुर बच्चा है गुंदूस, अगर मैं ना भी होती तो भी इसे कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, चलिए सब अंदर चलते हैं, आ जाइए।
मुहाफिजों को जरूरी हिदायत दे दो तुर्कुत। जैसा आपका हुक्म। बाबा, किले की फतह मुबारक हो बाबा। अरे मेरा शेर आया, इंशाअल्लाह तुम भी मेरी तरह जिहाद करोगे और इससे भी ज्यादा बड़े किले फतह करोगे। माशाल्लाह। बेटा, फतह मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी फतुहात को दवाम बख्शे। बहुत सी रियासतें और किले फतह करो तुम। इंशाल्लाह वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए साहब। ये किला फतह करके आपने हमें एक और फखर से फैजियाब कर दिया। किले और तख्त अहमियत नहीं रखते। असल मकसद रजाए इलाही के लिए अपने परचम को सरबलंद रखना है। जब तक मैं जिंदा हूं, हम अपना परचम पूरी दुनिया में इसी तरह से लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। अर्तुरुल साहब, अल्लाह आपको फतह मुबारक करे। ये फतह बहुत सी फुतुहात का आगाज बनेगी इंशाल्लाह। आमीन असलहान खातून। आमीन आमीन। मुझे यकीन था कि मेरे बाबा के इस किले में आप इंसाफ जरूर कायम करेंगे अर्दुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया हफ्सा खातून। तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मारिया। शुक्रिया अर्दुल साहब, आपने मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। खुशी है मुझे। भाई के अलावा कोई और रिश्तेदार है? कोई नहीं है। इस दुनिया में अकेली हूं बिल्कुल। आज से हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं। मुनासिब समझो अगर तो हमारे साथ रह सकती हो तो। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या ऐसा वाकई हो सकता है? मैं बोझ नहीं बनना चाहती आप पर। काई कबीला बहादुरी की अलामत है, हक गोई का रखवाला है। बहादुर और ईमानदार सब रह सकते हैं यहां। तुम भी रह सकती हो, बेफिक्र हो जाओ। आर्तुक भाई। हुकुम भाई। मारिया के जख्म की देखभाल करें। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसके जख्म ठीक हो जाएं। जैसा आपका हुक्म भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपकी ताकत में इजाफा हो अर्तुरुल साहब, खुदावंद आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया अब हमारे कबीले में रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। माशाल्लाह, मेरा बहादुर बेटा। भाइयों, हम अर्तुरुल के आगे हथियार डाल देते हैं। हम सरदार बहादुर के कातिल के आगे हथियार नहीं डालेंगे। हमारे सरदार को मारा है उसने, हम उससे इंतकाम लेंगे, उसे इसका हिसाब देना होगा। तो बहादुर को तुमने मार दिया, लाना तो तुम पर अर्तुरुल। जमींदार हरीस, Thank you.
अभी कुछ खत्म नहीं हुआ अर्थुरल, अभी तो बस आगाज है। अल्लाह के नाम से जिसने ईमान की दौलत से नवाजा हमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं सुलेमान शाह का बेटा और तुरुल सब जान लें कि इस सरजमीन पर जुल्म, नाइंसाफी और खौफ की जगह इंसाफ कायम हो चुका है। हम किसी को मजहब और नस्ल की बुनियाद पर बेदखल नहीं करेंगे। क्या बात है, यहाँ पर हर कोई अमन और सलामती के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। इस सरजमीन को और इसकी तिजारत को इंसाफ के साथ मजबूत बनाएंगे। इस सरजमीन पर रहने वाले हर शख्स को आजादी से अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत होगी। खुद मुख्तारी, सालमियत, इत्तेहाद, ये हमारा नस्ब उलैन होगा। सरदार अर्तुरुल जिंदाबाद, 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 सरदार अर्तुरुल जिंदाबाद। तलवार के जोर पर सब कुछ फतह किया जा सकता है, लेकिन असल फतह कौम की तश्कील है। अब जरूरी है कि हम इस कौम की तश्कील करें और मसीही बरादरी की सालमियत को भी यकीनी बनाएं। आपने सही फरमाया भाई, हमें यहाँ सबसे पहले मस्जिद की तामीर करनी चाहिए ताकि यहाँ भी इस्लाम की तरवीज का काम हो सके। फौरन इस मकसद के लिए इंतजाम करो बमसी, बेहतरीन मेमार बुलाओ, ये काम जल्दी होना चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। भाई अब उलमा और माहिरीन भी हमारी सरजमीन पर आना चाहेंगे, मेरा मशवरा है कि उनके लिए एक दरसगाह भी तामीर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आर्तुक भाई, किसी भी रियासत को मजबूत बनाने में उलमा और माहिरीन का किरदार अहम है। उन्हें यहां मुतवज्जे करने के लिए इस तरह की दरसगाह बहुत अहमियत की हामिल होगी। भाई मिस्कीनों के लिए पनाहगाह और बीमारों के लिए शिफाखाना हमारे मेहमान तामीर कर सकते हैं। मसीही बिरादरी का सबसे आम मसला महसूल की अदायगी है। इस वक्त बाज़ंतीनी महसूल की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है और अब हमारी तरफ से लागू होने वाले महसूल की वजह से लोग खौफ सताए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आर्तुक भाई? भाई हम दिल से ये मानते हैं कि एक बहादुर हाकिम आवाम के मसाइल अच्छी तरह समझता है। अगर हमारी आवाम शिकम सेर होगी तो मुआशरा खुशहाल होगा और जब खुशहाली आएगी तो रियासत में अमन कायम होगा। आवाम जब अमन से रहेंगे तो हाकिम वक्त से वफादार और हमेशा उसके फरमा बरदार रहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है आर्तुक भाई, इसी वजह से हम मकामी लोगों और मसीही बरादरी से कम महसूल वसूल करेंगे।
अब्दुल रहमान, बाजार जाके तमाम गैर मुस्लिमों को जमा करो। उन्हें बताओ कि उनसे इंतहाई कम महसूल वसूल किया जाएगा। जो आपका हुक्म भाई। आर्तुक भाई, आप सारे काम छोड़ें और पहले किले से मिलने वाली दस्तावेजात का जायजा ले लें। ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो रियासत के खिलाफ अमीर सादतिन और एरिस की गठजोड़ को साबित करेगा। अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, यह जरूरी है बहुत। जैसा आपका हुक्म भाई, मैं अभी तहखाने में जाता हूं। एरिस की तमाम दस्तावेजात वहीं मौजूद हैं। शुक्रिया। मारिया को भी साथ ले जाएं, यूनानी जबान को पढ़ने में वो मददगार साबित होगी। जैसा आपका हुक्म भाई। किसी भी लम्हे हमारे हमले के लिए अर्थरुल ने सख्त हिफाजती इकदामात किए होंगे। तो फिर एक ही जगह बची है जहां हम अर्थरुल को मौत की नींद सुला सकते हैं। हाली बाजार। मैं चाहता हूं कि कारा जैसार खिलाफ हमारे हवाले कर दे अर्थरुल साहब, और बदले में हमारे पास बहुत मुनाफा बख्श पेशकश है। इसमें लिखा है सलजूक अमीर की दरख्वास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोने का संदूक दिया है। तुम्हारे पास भी सादतीन, बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है।